भारत को लगभग 7,500 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मछलियाँ पकड़ना और खेती करना है। तटीय प्रदेशों के कचरे में मुख्यतः प्लास्टिक कचरा, सुनामी से आया हुआ मूंगा, तेल रिसाव और मछलियाँ यह होता है। प्लास्टिक कचरे का व्यवस्थापन करने के लिए हम उस प्लास्टिक से सड़कें बना सकते हैं। उस प्लास्टिक का पुनः उपयोग करके उससे अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती है। सुनामी से आई मूंगों से विविध आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जा सकती है। यह विविध गहने, कीटकनाशक, सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग करते हैं। कच्चे तेल का रिसाव, यह बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से कई समुद्री जीव मर जाते हैं। यह तेल साफ करने के लिए अल्केरो अवरैक्स बर्कमेनेसिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। मछलियाँ समुद्री जीव पकड़ने के बाद ठीक योजना न होने के कारण बहुत मछलियाँ, केकड़े, झींगे आदि फेंक दिए जाते हैं, जिससे वातावरण में दुर्गंध फैलती है और बीमारियाँ फैलने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए हम खराब हुई मछलियाँ जमीन में कुछ दिन तक दफना कर उसका खाद बना सकते हैं। केकड़े और झींगों का बाहरी कवच काइटिन नामक पदार्थ से बनता है, जिससे बनी खाद पेड़ों में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। समुद्र तटीय प्रदेश पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बिंदु है, पर हमें ये बात याद रखनी होगी कि यह प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है। इसे साफ रखना और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। कचरा न फैलाकर और पेड़ लगाकर हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं।